रिश्तों को हथेली पर संभाल कर रखा करो, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। रिश्ते वही अक्सर लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मे हों। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताब हर किसी को समझ में नहीं आती। कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फ़र्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। कड़वा है लेकिन सच है। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। मैंने पैसे से रिश्तों को बटते देखा है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। किसी से प्यार करने की कोई वजह नहीं होती। प्यार तो सिर्फ प्यार है, लेकिन उसमें कोई वजह है तो वह प्यार नहीं, सिर्फ पसंद है। रिश्ते अगर हो तो दिल से होना चाहिए। खून के रिश्ते हमने आश्रम में पड़े देखे हैं। रिश्ते होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बने रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। क्या दुनिया में हर इंसान उसे याद रखता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास है वह उसकी कदर नहीं करता। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों न बांधा हो, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने का रिश्ता ना हो तो वह टूट जाता है। खूबसूरती देखकर तो कितने ही लोग प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। कोई भी बेटी और माँ कभी अलग नहीं रह सकती, फिर चाहे उनके बीच कितनी भी दूरियां क्यों न हो। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जंग का आगाज़ कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नज़रअंदाज कर दो। कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। जब दिल भर जाता है तो लोग अक्सर रूठ जाया करते हैं। दूसरों की परेशानी का आनंद न ले, कहीं ऊपर वाला आपको वही उपहार में ना दे, क्योंकि ऊपर वाला वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। नाराजगियों को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। इंसान को अपनी वैल्यू कभी नहीं होगी। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। अपनी इच्छा केवल भगवान के सामने जाहिर करें, क्योंकि जो दिल में ख्याल डाल सकता है वह नसीब भी लिख सकता है। वक्त पर ना जा, जा वक्त तो हर जख्म की दवा है। आज तूने हमें भुला दिया, कल तुझे कोई और भुला देगा। दुनिया में केवल पिता ही है एक ऐसा इंसान जो चाहता है मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों। ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। सुख दुख निभाना हो तो कोई फूलों से सीखो। बारात हो या जनाजा, हमेशा साथ देते हैं। स्वभाव रखना है तो दीपक की तरह रखना, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है
जितने की गरीब की झोपड़ी में। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें बुरे कामों से रोके, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। ज़्यादा गुरूर करना अच्छा नहीं होता, कभी कभी उड़ान वालों को भी सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारे पास जो है तुम्हारी नज़र में कम है, लेकिन दूसरों की नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। नज़ाकत तो देखिए कि सूखे पत्ते ने डाले से कहा चुपके से अलग करना, वरना लोगों का रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। जो लोग वक्त पर बर्बाद करते हैं, वक्त उनको एक दिन बर्बाद कर देता है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। भाग्य को मत कोसो, क्योंकि भाग्य से बड़ा तो कर्म है जो आपके हाथों में है। शरीर सुंदर हो ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर रखना, क्योंकि लोग चेहरे को भूल जाते हैं, शब्द नहीं भूलते। औरत की बुद्धि घुटनों में बताने वाले लोग शायद यह नहीं जानते कि औरत का दिमाग इतना तेज़ होता है कि वह एक नज़र में मर्द की नज़र और नीयत पहचान लेती है। समय की वैल्यू उस अखबार से पूछना जिसके दिन बीत जाने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर औरत के चरित्र पर दाग लग जाए तो वह उसकी मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। दोस्तों, यह थे हमारे आज के विचार। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।